नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जान लेते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के सुरवनिया पुल के पास बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक बाइक सवार युवक को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। वहीं गोली लगने से जख्मी युवक को तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। जख्मी युवक की पहचान भोजहाता गांव निवासी जितेंद्र सिंह के रूप में की गई है। दरअसल इस संदर्भ में जख्मी के परिजनों ने बताया कि जितेंद्र सिंह बाइक पर सवार होकर घर से बाजार दवा खरीदने जा रहे थे। इसी बीच जैसे ही वह मीरगंज थाना क्षेत्र के सुरवनिया पुल के पास पहुंचे ही थे कि तभी एक बाइक पर सवार दो बदमाश पहुंचे और उनके पैर में गोली मार दी। जख्मी युवक ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी। जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उसे लेकर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। वहीं सूचना पाकर सदर अस्पताल पहुंच मीरगंज थाना क्षेत्र के अपर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस संदर्भ में उन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति को पैर में गोली लगी है, जख्मी का फर्द बयान लिया जा रहा है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई करते हुए बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। तरफ जा रहे थे नौतन बाजार के तरफ, पुल पे ही गोली मार के वो लोग फरार हो गए। क्या नाम है इनका? जितेंद्र सिंह। कहाँ कराने वाले हैं? भोजहाता। कोई दुश्मनी थी किसी से? नहीं, हमें क्या पता है, हमें तो पता नहीं है, वो बताएंगे। कैसे जा रहे थे? पैदल की बाइक से? बाइक से जा रहे थे। बाइक से गोली कहाँ लगी है? पैर में। अब क्या डॉक्टर द्वारा क्या कहा गया? डॉक्टर द्वारा कहा गया, रेफर कर दिया गया गोरखपुर के लिए। आपका नाम? गोपालगंज जिले के माझागढ़ थाना क्षेत्र के माधव हाई स्कूल खेल मैदान में एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने और सभा को संबोधित करने के लिए सूबे के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी और मंगल पांडे ने लालू परिवार पर जमकर भड़ास निकाली। दरअसल सभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि मोदी जी ने कहा है कि देश को सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, बल्कि मेक इन इंडिया का सोने का शेर बनाना है, जो देश में दहाड़ने का काम करेगा। उन्होंने कहा है कि वोट करो और गरीबों के बिजली बिल को सोलर युक्त करते हुए बिजली बिल को ही जीरो करने का काम मोदी और नीतीश कुमार की सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि वे मंच से लोगों को आरक्षण खत्म होने का भय दिखाते रहते हैं, लेकिन उनसे पूछेगा कि 15 साल तक मम्मी पापा की सरकार रही तो उन्होंने किसी को आरक्षण नहीं दिया। मच्छर जनित रोगों में डेंगू अति गंभीर रोगों की श्रेणी में आता है, इसलिए डेंगू के प्रति सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। कनेक्ट विथ कम्युनिटी कंट्रोल डेंगू थीम पर इस वर्ष लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें इस अभियान में शामिल किया गया। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुषमा शरण ने राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि आम लोगों के बीच सटीक जानकारी नहीं होने के कारण उनके लिए डेंगू शब्द ही खौफ का मुद्दा है। यदि इसके विषय में आम लोगों को पूरी जानकारी दी जाए तो लोगों के मन से डेंगू का भय खत्म हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि बैनर पोस्टर आदि का इस्तेमाल करते हुए पूरे जिले में डेंगू दिवस के अवसर पर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिले में अभी डेंगू का एक भी मरीज चिन्हित नहीं है। BDCO प्रशांत कुमार ने बताया कि एडीज नामक मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है। यह मच्छर साफ पानी में पनपता है, जो ज्यादातर दिन में ही काटता है। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। 3 से 7 दिन तक लगातार बुखार, तेज सर दर्द, पैरों के जोड़ों में तेज दर्द, आंख के पीछे तेज दर्द, चक्कर और उल्टी आना, शरीर पर लाल धब्बे आना तथा कुछ मामलों में आंतरिक एवं बाह्य रक्त स्राव का होना डेंगू के लक्षण में शामिल है। डेंगू का कोई सटीक इलाज तो उपलब्ध नहीं है, पर कुशल प्रबंधन और चिकित्सकों की निगरानी से डेंगू को जानलेवा होने से बचाया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि डेंगू के लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सकीय सलाह ली जाए। डेंगू के लक्षण दिखाई देने पर बिना चिकित्सकीय सलाह के बुखार की दवा खाना खतरनाक साबित हो सकता है। जिला वेक्टर जनित रोग सलाहकार अमित कुमार ने बताया कि डेंगू मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, साधारण डेंगू, डेंगू हेमरेजिक बुखार और डेंगू शॉक सिंड्रोम। ज्यादातर लोगों को साधारण डेंगू ही होता है, जो कुछ परहेज करने से ही ठीक हो जाता है। डेंगू हेमरेजिक बुखार और डेंगू शॉक सिंड्रोम गंभीर श्रेणी में आते हैं। यदि इनका शीघ्र इलाज शुरू नहीं किया जाए तो यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। डेंगू हेमरेजिक बुखार और
डेंगू शॉक सिंड्रोम में मरीजों के उपचार के लिए रक्तचाप और शरीर में खून के स्राव का निरीक्षण करना ही जरूरी होता है। राष्ट्रीय वेक्टरबोर्न रोग नियंत्रण विभाग के अनुसार 1% डेंगू ही जानलेवा है, लेकिन बेहतर प्रबंधन के अभाव में डेंगू 50% तक खतरनाक साबित हो सकता है। इस दौरान BDCO प्रशांत कुमार, विपिन कुमार सहित जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यालय के कर्मी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें मोहम्मदपुर थाना के अंतर्गत मोहम्मदपुर मोड़ स्थित मनीषा म्यूजिकल ग्रुप के मालिक मनीपा किन्नर और एक व्यक्ति शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं। मोहम्मदपुर थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए वायरल वीडियो के आधार पर मनीपा किन्नर और ट्रक ड्राइवर मिथिलेश को गिरफ्तार किया गया है, तथा वीडियो के संबंध में पूछताछ के द्वारा बताया गया है कि यह वीडियो पुराना है। दोनों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। राम जन्मभूमि आंदोलन के नेता प्रमुख समाज सेवी समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन की नई दिल्ली शाखा द्वारा मैन ऑफ अचीवमेंट अवार्ड 1999 से सम्मानित RTI कार्यकर्ता सुरेश चंद्र पांडे ने लोकसभा क्षेत्र के सजग प्रत्याशी वर्तमान सांसद आलोक कुमार सुमन का समर्थन किया है। संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सजग संगठन सरकार द्वारा धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर के विशेषकर ब्राह्मण समाज को सुरक्षा के साथ मुस्लिम समाज की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले आतंकवादियों से सुरक्षा प्रदान किया गया है। 3 तलाक जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त कर विशेषकर मुस्लिम समाज की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर सम्मान बढ़ाया है। इसके साथ साथ समान नागरिकता कानून के जरिए अलगाववादी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर सजग सरकार द्वारा बनाए गए कानून व्यापक रूप से देश के हित में हैं। ऐसे में एक बार पुनः सजग सरकार देश के लिए आवश्यक है। श्री पांडे ने गोपालगंज के मतदाताओं से सजग प्रत्याशी वर्तमान सांसद आलोक कुमार सुमन को विजयी बनाने की अपील की है, लेकिन जब संवाददाता बेरोजगारी और विकास और किसान के मुद्दे पर प्रश्न किया तो उन्होंने स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार की कुछ गलत नीतियों को उत्तरदायित्व ठहराया और क्षेत्र के इस मुद्दे को संसद द्वारा पार्लियामेंट में उठाने के लिए आग्रह करने की बात कही। गोपालगंज में अलग अलग शराब तस्करों पर हुई कार्रवाई में 5 शराब तस्कर गिरफ्तार हुए हैं और 2 4-पहिया वाहन तथा भारी मात्रा में शराब भी बरामद हुई है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से दी गई जानकारी के अनुसार श्रीरामपुर थाना के अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर गणेश डूमर टोला राज नहर पुल के पास झाड़ी में छुपा कर रखा 260 लीटर देसी शराब बरामद हुआ है और कुचायकोट थाना के अंतर्गत ग्राम बगोज के पास से 2 बलोरो की बॉडी में तहखाना बनाकर रखा 218 लीटर देसी शराब के साथ लौकुश यादव मुकेश कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है और मोहम्मदपुर थाना के अंतर्गत वाहन जांच के क्रम में बागेश मोड़ के पास से एक कार में 46 लीटर विदेशी शराब के साथ मिश्रेश कुमार, संजना कुमारी, रिंकू देवी को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गाड़ी और शराब भी जब्त कर ली गई है। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से, जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड थावे, गोपालगंज, और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। Admission opens for class gates up to 10.
हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल रेजिडेंशियल को एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 10th, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली NCR के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल पाठ्यतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर एक शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन, विप्रासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुडहोल मार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरे रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान, 1,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई के संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। गोपालगंज जिले के आसन लोकसभा निर्वाचन गोपालगंज 17 के भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक सुंदरीयाल द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम और अभिषेक रंजन की उपस्थिति में आसन लोकसभा निर्वाचन गोपालगंज 17 के स्वीप गतिविधियों संबंधित स्वीप कोषांग के संबंधित पदाधिकारियों के साथ समाहरणालय कार्यालय कक्ष में बैठक की गयी। संबंधित बैठक में प्रेक्षक द्वारा प्रेक्षक से जिला पदाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का परिचय कराया गया। प्रेक्षक ने DPM जीविका से स्वीप कोषांग संबंधित कार्य योजना और उसके अनुपालन की विस्तृत जानकारी लेकर उनके गतिविधियों के प्रॉपर रिव्यू का निर्देश दिया। वहीं DPM हेल्थ से उनके आशा और ANM के द्वारा कराई जा रही स्वीप गतिविधियों की विस्तृत जानकारी के पश्चात उन्हें घर घर संपर्क कैंपेन के माध्यम से मतदाता जागरूकता के साथ साथ मतदाताओं को मतदाता पर्ची प्राप्त हुई कि नहीं इसका भी सत्यापन करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सिविल सर्जन गोपालगंज को निर्देश दिया गया है कि आप स्वयं भी दौरा कर इन चलाए जा रहे अभियान का सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे। आपके विभिन्न माध्यमों का प्रॉपर रिव्यू हो जिससे चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का विजिबिलिटी दिखे। इस क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज से जिला शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों की जानकारी लेने के पश्चात उन्हें निर्देश दिया गया कि लो वोटर टर्नआउट रेशियो वाले मतदान केंद्रों पर प्रभारी फेरी स्काउट गाइड NSS NCC आदि के माध्यमों से महिला, युवा और अर्बन मतदाताओं के बीच जागरूकता गतिविधियां चलाई जाए। पेरेंट टीचर मीटिंग बुलाकर और संकल्प पत्र के माध्यम से अभिभावकों को जागरूक करें। साथ ही स्टेट ऑनलाइन मैथिली ठाकुर के मेंस स्टेडियम गोपालगंज में होने वाले कार्यक्रम की लाइव कवरेज विद्यालयों के स्मार्ट क्लास सिस्टम के माध्यम से सुदूर गांव में रहने वाले मतदाताओं को दिखाने का प्रयास करेंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि PDS के माध्यम से जागरूकता की गतिविधियों में तेजी लाएं और इन गतिविधियों की मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित करें। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ICDS को निर्देशित किया गया कि कम मतदान प्रतिशत वाले मतदान केंद्रों के चिन्हित क्षेत्र में जागरूकता गतिविधियां आंगनबाड़ी केंद्रों और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से चलाएं और उनका रिव्यू भी लें। सभी को यह निर्देश दिया गया कि अपने अपने स्तर के प्रत्येक मतदाता के घर से यह भी जानकारी लेना सुनिश्चित करें कि उन्हें मतदान पर्ची प्राप्त हुई है या नहीं, नहीं होने पर संबंधित BLO के माध्यम से उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रेषक द्वारा उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि क्रॉस वेरिफिकेशन और इन सब के रिव्यू के लिए अपने स्तर से एक नीति निर्धारण कर प्रत्येक दिन की गतिविधि की एक निश्चित समय पर जानकारी प्राप्त कर उनके कमियों को सुधार करें। संबंधित बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर शशि प्रकाश राय, वरीय उप समाहर्ता सह नोडल पदाधिकारी स्वीप कोषांग मंकेश्वर कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी सुभाष गुप्ता, जिला चिकित्सा पदाधिकारी वीरेंद्र प्रसाद, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ICDS सीमा कुमारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी कैसर जमाल कुमारी DPM जीविका, जिला समन्वय स्वच्छता राजीव कुमार, लाइजेनिंग अधिकारी डॉक्टर सह प्रेक्षक सह जिला नियोजन पदाधिकारी पिंकी भारती, लाइजेन अधिकारी रेजी विजय आदि उपस्थित रहे। गोपालगंज के खास खबर में इतना ही, नमस्कार।